बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल का गठबंधन रहेगा या नहीं, इसको लेकर एक दो दिन के अंदर फैसला हो जाएगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश भर में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इससे यह भी खबर तेज है कि क्या अकाली दल बसपा गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गड्डी ने इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने उन्हें मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाया है और दिल्ली के अंदर जो उनकी बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी बैठक लेगी और उस बैठक के अंदर जो आवश्यक निर्देश देगी उसी पर आगे रणनीति करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष बहन मायावती जी को लेकर यहां पर प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने लखनऊ में देश में अकेले लड़ने की घोषणा की है। यह घोषणा केवल पंजाब के लिए होगी, तो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गड्डी ने कहा कि उनकी दिल्ली में पंजाब को लेकर विशेष बैठक बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने 18 तारीख को दिल्ली में बुलाई है। उस दिन अकाली दल पर फैसला हो जाएगा कि गठबंधन रहेगा या नहीं। जसवीर सिंह गड्डी ने अकाली दल गठबंधन टूटने के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में बसपा मजबूत स्थिति में, जबकि अन्य पार्टियों को इस समय बसपा की जरूरत है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन एनडीए को जो है बहुजन समाज पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर बात साफ है, अकाली दल का और बीएसपी का जो गठबंधन है पिछले कई चुनावों से लगातार चल रहा है, उन चुनावों के बाद यह साफ नजर आ रहा है कि दोनों के बीच तल्खियां बढ़ी थी, खासतौर से संगरूर के और हाल ही के अंदर हुए दो उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी और समाज जो अकाली दल है उन दोनों के बीच तकरार बढ़ती ही वो गई। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गड्डी ने दिया है कि बीएसपी अध्यक्ष बहन मायावती जी 18 तारीख को पंजाब को लेकर फैसला लेगी, लेकिन उन्होंने यह संकेत दिया कि लगभग अब अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन काफी दूर है।